बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के वीडियो में। आज दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं दोस्तों। कतर में फ़ाइनली पाकिस्तान के लिए भी हायरिंग हो रही है और इंडिया के लिए भी। काफ़ी जो पाकिस्तानियों के लिए सिलसिला था दुश्वारी का वो सामना कर रहा था, अभी फ़ाइनली कुछ वैकेंसीज़ मेरे पास पाकिस्तानियों के लिए भी इस वीडियो में इंक्लूड हैं। और पाकिस्तान से भी आप कहीं से भी किसी जगह से भी रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। और इंडिया के लिए भी बड़ी अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, वो पोजीशंस हैं जिसके लिए आप अक्सर कहते रहते हैं। तो भाई हमारी पूरी नज़र होती है आपके कमेंट्स के ऊपर कि आप क्या लिखते हैं, आपको किस कैटेगरी की जॉब्स की नीड है और ज़्यादा कौन सी जॉब्स की डिमांड आ रही है। तो ये हम सर्च करते हैं और मुख्तलिफ़ वेबसाइट के ऊपर और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रजिस्टर्ड वेबसाइट में से, अखबार से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपकी खदमत में हाज़िर हुए हैं। ये चैनल बनाने का, ये प्लेटफॉर्म बनाने का दोस्तों ये ख़ास मकसद हमारा यही है कि आपकी मदद कर सकें। और आप कहाँ से बैठकर जो है सर्च करेंगे और आप इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा मुख्तलिफ वेबसाइट सर्च करने में, देखने में। तो इसमें हमारी पूरी टीम की ये मेहनत है और दिन भर की ये मेहनत होती है, जॉब्स इकट्ठा करते हैं और शॉर्ट टाइम में 5-6 मिनट में आपको वो जॉब्स बता देते हैं जो डेली बेस पर हायरिंग होती है गल्फ में। तो भाई आज ये जॉब्स जो पेश करने जा रहे हैं, पहले पाकिस्तान की कुछ वैकेंसीज़ हैं वो मैं आपकी खिदमत में शेयर कर रहा हूँ। उसके तो अभी दोस्तों कल का ये जो फैसला था कि दुबई की फ़्लाइट्स अभी बंद हो गई हैं और फैसला जो था वो एक मरतबा फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी न्यू क्या अपडेट है वो आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और हमारी बिल्कुल सर्चिंग चल रही है और जैसे ही कोई स्पेशल न्यूज़ आएगी, कोई गुड न्यूज़ आएगी तो वो भी हम आपकी स्क्रीन पर जो है शेयर करेंगे। अभी दोस्तों सुनने को आ रहा है कि 31 अगस्त तक का जो है ये फैसला मुलतवी किया गया है, बाद में देखते हैं क्या होता है, क्या ये अटल फैसला है या इसमें भी कोई चेंजिंग होगी, तो ये वक्त बताएगा। अभी दोस्तों 31 अगस्त तक एक और डेट हमें मिल गई है वेट करने के लिए। तो अभी क्या है कि ये तमाम जॉब्स जो हैं दोस्तों, ये थर्ड पार्टीज जॉब्स हैं और ये आपको जो है स्पेशल फ्लाइट्स में भी रवाना कर देते हैं और ये जो अपनी सर्विस चार्जेस लेते हैं तो वो इनकी ज़िम्मेदारी होती है, वो आपको किसी ना किसी तरीके से भेजते हैं। मेरी आपको सलाह है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप किसी ना किसी तरीके से उस सिलसिले में ना पढ़ें, एहतियात लाजमी करें और एक अच्छे तरीके से बाय एयर अगर फ़्लाइट्स के थ्रू आपको भेजते हैं तो ये अच्छा तरीका होगा। बाकी ये काफ़ी लोग हैं इसमें जो फ्रॉड भी कर जाते हैं बंदों के साथ, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, एहतियात करना है और इन लोगों के जो फ्रॉड वाले बंदे हैं जो ठग रहे हैं लोगों को, उनकी आपको झपट में नहीं आना, एहतियात लाजमी करना है। भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें अपना कीमती वक्त देते हैं। जॉब्स हम आपको बताते हैं, कतर में ये हायरिंग हो रही है बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियंस की और प्लम्बर की। दोस्तों यहाँ पर 100 तादाद में ये एक अच्छी डिमांड है और एक बड़ी क्वांटिटी है कि पाकिस्तान से फाइनली बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के लिए 100 तादाद में लोग नीडेड हैं। और 1100 तक का सैलरी है, इसमें इजाफा भी किया जा सकता है, बड़ा अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है। टेस्ट इंटरव्यूज़ आज से जारी हो गए हैं भाई, तो अपने कागजात अपने सेंड कर दें इनको और ये पूरा महीना भी आपके इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं, आप इनसे बात करें। और ये इनके मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट्स वगैरह हमने आपकी स्क्रीन पर शेयर किए हैं। पेशावर में इनकी ऑफ़िस मौजूद है, पेशावर में इनकी हेड ऑफ़िस पर कॉल करके आप इनसे पूछ सकते हैं। इनकी लाजमी कराची में, लाहौर में और दूसरे शहर में भी ब्रांचेज़ ज़रूर मौजूद होगी, तो वहाँ पर आपने तशरीफ़ ले जानी है जो आपको नज़दीक पड़ जाए। तो भाई मोबाइल नंबर वगैरह चेक कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें। और इनकी जो ऑफ़िस है वो रशीद सीएनजी पंप पेशावर के पेशावर में सीएनजी पंप के रशीद सीएनजी पंप के नज़दीक है, तो भाई इनसे बात कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट हमने आपको दिखाए। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ये बात बता दूं कि टेस्ट इंटरव्यू के दौरान ये अपनी सर्विस चार्जेस की बात कहते हैं तो वो लाजमी पहले तय कर लीजिएगा। मुआहदा 2 साल का हो रहा है, रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, एहतियात करें और संभल कर अप्लाई कीजिएगा। अगली पोजीशन भाई ये बिल्कुल आ रही हैं अभी, डिलीवरी कार ड्राइवर की सीट्स नीडेड हैं, 75 तादाद में ये सीट्स नीडेड हैं और हैवी ड्राइवर्स बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कतरी या आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग का लाइसेंस होना मस्ट चाहिए, अगर ड्राइविंग का लाइसेंस है तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और ये सेल्फ के बुनियाद पर सिलेक्शन जारी है, जो तजर्बे का लोग हैं उनको ज़्यादा रेस्पॉन्स ये कर रहे हैं। 2 साल का ही मुआहदा हो रहा है आपके साथ और रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन इसमें तमाम फैसिलिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी दे रही है, सर्विस चार्जेस आपसे लेगी, ठीक है।
तो ये 5, 6 और 7 अगस्त से आपके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। ये मोबाइल नंबर, ये इनकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर शेयर कर दी गई है, स्क्रीन से चेक करें, नोट कर लें, इनसे बात कर लें आप। दोस्तों ये तमाम जॉब्स पाकिस्तान के लिए हैं, जो हमने पहले भी कटिंग शेयर की, अभी ये भी कटिंग मैंने शेयर की, तो ये पाकिस्तान के लिए जॉब्स आ रही हैं। फाइनली एक बड़े वक्फे के बाद, ये एक लॉन्ग टाइम के बाद आपकी खिदमत में हमने पाकिस्तान की भी, कतर की भी जॉब्स पेश की हैं स्पेशली। तो इसमें थोड़ा सा सिलसिला कतर के लिए भी दुश्वारी का सामना कर रहा था, अभी इंशाल्लाह नॉर्मली होने को जा रहा है। जैसे जैसे लोग कोविड की वैक्सीन करवा रहे हैं, तो केसेस में इजाफा होने के बजाय उसमें कमी आ रही है, और इंशाल्लाह भलाई होगी। तो भाई ये पाकिस्तान की जॉब्स का जिक्र हमने कर लिया है, अभी इंडियन जॉब्स हम पेश करने जा रहे हैं। तो इंडिया के जो हमारे भाई हैं, व्यूअर्स हैं, वो अगर हमें वॉच कर रहे हैं तो मुतवज्जा हों। ये पोजीशन है भाई फर्कलिफ्ट ऑपरेटर के लिए, अक्सर काफ़ी दोस्तों ने डिमांड की हुई है कि फर्कलिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बताएं। तो ये जॉब से आपकी स्क्रीन पर, और 1200 तक सैलरी है, ओवर टाइम भी आपको मिल रहा है। जॉब डिस्क्रिप्शन चेक कर लें तो इनके कॉन्टैक्ट्स भी हम आपको दिखाते हैं। फूड भी मिल रहा है, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। 5-6 साल का कोई तजुर्बा होना चाहिए, और तजुर्बे के साथ ये आपको वेलकम कर रहे हैं। लाइसेंस आप होल्डर होने चाहिए, अगर फर्कलिफ्ट का आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस है तो ये गुड हो गया, और आपको रेस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहा है। नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। आप जो बंदे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनके लिए ये हमने उनकी पूरी डिटेल शेयर की है। ईमेल चेक कर लें, इनकी ऑफ़िस की एड्रेस भी आप चेक कर लें, और चले जाएं इनकी ऑफ़िस विज़िट करें और सामने जाकर बात करें। तो काफ़ी दोस्त कह रहे होते हैं कि कॉल करते हैं तो कॉल नहीं उठाते, और कागजात सेंड करते हैं तो रिस्पांस नहीं मिलता। तो भाई इनकी ऑफ़िस की एड्रेस भी तो हम दिखाते हैं, वहाँ चले जाएं ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोई ना कोई आप निकलवाएं, अपना सोर्स निकलवाएं, उस कंपनी की जान पहचान वाले बंदे, अपनी जानकारी से कोशिश करें कि आप कोई ना कोई सोर्स निकल आता है। तो जो बंदे अप्लाई करना चाहते हैं, जो थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएंगे, तो इंशाल्लाह उनके लिए ये आसानी का बायस बन सकेगा, और वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। तो भाई अभी हम ये मज़ीद पोजीशन हमने आपकी स्क्रीन पर शेयर की हैं, और यहाँ पर अरबिक कुक्स नीडेड हैं, और असिस्टेंट स्टोर कीपर्स, और ये तमाम पोजीशंस आप स्क्रीन से चेक कर सकते हैं। ब्लू डॉट्स जिस भी पोजीशन पर लगे हुए हैं, तो ये तमाम पोजीशंस नीडेड हैं। अच्छा, तो इनमें जो भी पोजीशंस हैं, इसमें कुछ लेबर टाइप की पोजीशंस भी हैं, जो अनएडुकेटेड बंदे हैं उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे कि रूम बॉय के लिए है, और क्लीनर के लिए कुछ सीट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और कुकिंग के लिए भी आप एक्सपर्ट होने चाहिए। ड्राइवर की सीट्स हैं, कुछ मैनेजर की सीट्स हैं, वेटर की सीट्स इसमें शामिल हैं। तो ये पूरी डिटेल आप स्क्रीन से चेक कर लें, बल्कि स्क्रीन शॉट ले लें, ताकि बाद में आपको मदद मिल सके और आप आसानी से इनके यहाँ अप्लाई कर सकें। तो ये तमाम जॉब्स भाई जो भी हमने पेश की हैं, ये तमाम कतर की जॉब्स हमने पेश की हैं, उम्मीद है कि आपने नोट कर ली होगी। ये कॉन्टैक्ट्स हैं इनके, आप स्क्रीन से चेक कर लें। फूड भी मिल रहा है, अकोमोडेशन भी मिल रहा है, 8 घंटे ड्यूटी हो रही है आपकी, और वैकेंसी लार्ज नंबर में मौजूद हैं। और कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनका तजर्बा लाजमी होना चाहिए, तजर्बेकार बंदों को ज़्यादा रिस्पांस करते हैं ये। और ये इनकी ईमेल, इनके मोबाइल नंबर और पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, चेक कर लें, इनकी ऑफ़िस के यहाँ आप चले जाएँ। तो ये तमाम जॉब्स हमने कतर की पेश की हैं, उम्मीद है कि आपने नोट कर ली होंगी। अगली वीडियो में मज़ीद हम जॉब्स आपकी खिदमत में भाई लेकर हाज़िर होंगे। आज अपने भाई साजिद अली को दें इजाज़त, अपनी दुआओं से बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह पाक करे कि अपने प्यारों के दरमियान रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, कोई भी तकलीफ़ परेशानी मुसीबत आपके दरमियान से भी ना गुजरे। बहुत सारी दुआओं के साथ आज आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।